राजकीय महाविद्यालय की राष्ट्र सेवा योजना इकाई का स्वच्छता एक्शन प्लान के अंतर्गत गतिविधियां कार्यक्रम का समापन शनिवार को संपन्न हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डिप्टी कमिश्नर डिजास्टर रिस्पांस टीम इंडिया के डॉक्टर एएलएस आचार्य एवं अध्यक्ष समाज सेवी गोविंद राम, विशिष्ट अतिथि कार्यक्रम समन्वय राष्ट्रीय सेवा योजना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा के डॉक्टर रामबीर सिंह चौहान एवं राष्ट्रीय सेवा योजना क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ से श्री राजेश सिंह उपस्थित रहे। कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर दीनदयाल ने बताया कि राष्ट्रीय सेवा योजना के छात्र छात्राओं ने प्रारंभ के 3 दिनों में विज्ञान, कला एवं वाणिज्य सहाय को कैंपस को साफ सुथरा किया। उसके बाद 2 दिन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बाउंड्री को कूड़ा मुफ्त कराया एवं 2 दिन मार्ट के मारानी बस्ती को साफ सुथरा करने के लिए अभियान चलाया और लोगों को घर के सामने कूड़े का ढेर रवाना करने की सलाह दी। इसी दौरान छात्र छात्राओं ने महाविद्यालय परिसर एवं स्टेडियम के मध्य टूटी हुई बाउंड्री को स्वयं मरम्मत किया। कार्यक्रम अधिकारी ने बताया कि स्वच्छता एक्शन प्लान के अंतर्गत राष्ट्रीय सेवा योजना छात्र छात्राओं को यमुना के किनारे पर की गई सफाई के लिए भी अभियान चलाया। महाविद्यालय मठ मथुरा का स्वच्छता एक्शन प्लान के अंतर्गत गतिविधियों का समापन कार्यक्रम था, जिसमें हमारे छात्र छात्राओं ने 3 दिन कैंपस की सफाई की थी और 3 दिन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की बाउंड्री को बाहर से कूड़ा मुक्त कराया और 3 दिन जो भी बस्तियां हैं, मलिन बस्तियां हैं यहाँ पर, उनको भी गंदगी से मुक्त कराया और आज उनको पुरस्कृत करने के लिए और साथ में उनको प्रमाण पत्र वितरित करने के लिए डिप्टी कमिश्नर डिजास्टर रेस्पॉन्स टीम इंडिया के डिप्टी डायरेक्टर मौजूद हुए और समाज सेवी भी हमारे साथ मौजूद हुए। हमने छात्र छात्राओं को उनके द्वारा किए हुए कार्यों को उत्साहित करने के लिए ट्रॉफियां प्रदान की और सर्टिफिकेट भी वितरित किए।